नमस्कार दोस्तों, आज हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वालों के सबसे बड़े दुश्मन और दोस्तों कौन? ऐसी कौन सी राशि होती है जो आपके लिए दुश्मन राशि हो सकती है और ऐसी कौन सी राशि है जो आपके लिए मित्र राशियां होती हैं? ऐसे कौन से अच्छे लोग हैं जिनसे आपको बचाव करना चाहिए? ऐसे कौन से अक्षर हैं जिनसे आपको दोस्ती रखनी चाहिए? ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग थोड़े से शकी स्वभाव के लोग होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, हंसमुख स्वभाव भी होता है, लेकिन तब तक जब तक कि आपको गुस्सा दिलाया ना जाए। तनाव मुक्त लाइफ स्पेंड करना आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप नहीं बैठते हैं। दोस्तों चिंता आप लोगों के सर पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती है। आप दूसरों की चिंता ले लेते हैं और फिर खुद भी चिंतित होते थे। यानी कि दोस्तों परेशानी आप देने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन परेशानी अपने ऊपर लेने का काम नहीं करते हैं। ये आपके स्वभाव में ही नहीं है। दोस्तों आपके लिए मेष, धनु और मीन राशियां कुछ अशुभ होती हैं। इन राशियों से आपके राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी संभावना है कि इन राशियों से आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा आपको देखा जाए तो ऐसे लोगों को धोखा देने वालों की संख्या बहुत कम होती है। इनका शत्रु बहुत कम होते हैं, लेकिन जो भी काम होते हैं वे खतरनाक और मजबूत होते हैं। इनसे आपको किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इनके शत्रु इनके अपने ही ज़्यादा संख्या में बढ़ते जाते हैं। आपको दोस्तों तो इन लोगों से धन संबंधी धोखा आप लोगों को मिल सकता है, इसलिए इन लोगों से कुछ खास सावधानियाँ रखने की आवश्यकता है। दोस्तों बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको धोखा भी मिल सकता है, इसीलिए आप धन संबंधी लेन देन से बचें। यदि लेन देन करें तो कुछ सावधानी रखें। यदि आपको लगता है कि आप फंस चुके हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस में आगे बढ़ चुके हैं और आपको लगता है कि धोखा मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों आपके लकी अक्षरों के बारे में, जिसका साथ आपको अवश्य पकड़ना चाहिए। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलता है, आपके जीवन में काफ़ी उन्नति होती है। दोस्तों जिन अक्षरों का साथ आपकी राशि वालों के लिए काफ़ी शुभ होता है, जिनका सहयोग आपको लगभग हर कदम पर मिल सकता है, जो आपको मुसीबत से बचा सकते हैं और बहुत रास्ते पर गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं, वे अक्षर है KSHYR। ये अक्षर आप लोगों के लिए शुभ हैं। इन अक्षरों से शुरू नाम वाले व्यक्ति आपके जीवन में बेहतर सहायक हो सकते हैं। बात करते हैं उन अक्षरों के बारे में जिनका साथ आपके लिए अशुभ हो सकता है। वह दोस्तों जिनसे शुरू नाम वाले व्यक्तियों से आप लोगों को बचना चाहिए, वे अक्षर हैं YH, P, D। इन अक्षरों से आपको नुकसान हो सकता है, बुरा हो सकता है, अच्छा होने की तो आप सोच भी नहीं सकते। इन अक्षरों से शुरू नाम वाले व्यक्तियों से बचना चाहिए। अच्छी सफल लाइफ के लिए इन अक्षर वाले लोगों का साथ आपको लेना चाहिए, अर्थात दोस्तों ए अक्षर वाले आर अक्षर वाले लोगों के साथ में आपका साथ जीवन में तरक्की देगा। आपके राशि के लोग ज़रूरी नहीं कि मिलने जुलने वाले लोग हों, बल्कि आपके अपने भी लोग हो सकते हैं। तो दोस्तों आ या फिर आर अक्षर वाले लोगों का साथ आपके जीवन में तरक्की दे सकता है। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि मिलने जुलने वाले लोग हों, बल्कि आपके अपने भी हो सकते हैं, माता पिता, भाई बहन या बच्चे, कोई भी आपके राशि के हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको रिश्ता नहीं तोड़ना है, बल्कि सावधान रहना है और उपाय करने हैं, जिससे कि आपकी जो शत्रुता है वो खड़ी ख़त्म हो जाएगी। धोखा मिल सकता है, लेकिन दोस्तों जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बच्चे हैं, ये गॉड गिफ्टेड हैं, ये हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन ये अक्षर वहाँ प्रयोग करना है जहाँ आपके हाथ में हो। नया बिजनेस करना है, नया मित्र बनाना है, नया रिलेशन करना है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों इसीलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें और अपने माइंड से काम लें। अब जानते हैं दोस्तों आपके राशि की मैरिज लाइफ किनके साथ में ज़्यादा बेहतर रहेगी, किनके साथ आप कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही किन लोगों को विवाह करने से आप लोग को बचना चाहिए। आपका राशि वालों का विवाह किसके साथ नहीं हो सकता। आपका वैवाहिक जीवन मिला जुला रहने वाला है। दोस्तों कभी कभी स्थिति बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत नाजुक हो सकती है। रिश्ता टूटता नहीं, चलता रहता है दोस्तों।
आपके राशि वालों से विवाह करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, इससे घोर शत्रु राशियां हैं जिनसे आप लोग बच सकते हैं, इसलिए आप लोगों को कुछ सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। यदि मान लीजिए विवाह हो चुका है तब भी हम कुछ खास सावधानियां बता रहे हैं जिसमें आप लोगों की जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएं, लेकिन यहां आपको हमारे द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय और कुछ सावधानियां रखने वाली हैं जिसमें आपके व्यवसाय करियर में नौकरी क्षेत्र में बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही आपके कार्य योजना बद तरीके से बनते चले जाएंगे। घर में रिश्तेदारों की आवाजाही लगी रहेगी तथा आपसी मेल मुलाकात सबको आनंद व खुशी देगी। आपके व्यवसायिक कार्यों में भी दोस्तों कुछ व्यवधान रहेंगे, परंतु इस समय आपकी प्राथमिकता घर की देखभाल ही रहने वाली है। किसी औपचारिक व्यक्ति से आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। व्यक्ति की दोस्तों चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में लापरवाही ना करें। बिजनेस से लेन देन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कारोबार में कोई नया प्रयोग अमल करेंगे दोस्तों, फायदेमंद स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। लाभदायक स्थितियों के लिए पेपर वर्क करते समय छोटी मोटी गलतियों को ध्यान दें, वरना दोस्तों बड़ा नुकसान आप लोगों का हो सकता है। कारोबारिक मामलों में दिक्कतें हो सकती हैं, वह बड़ा ऑर्डर भी आपके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए आप लोगों को कुछ खास सावधानियों के साथ साथ थोड़ी सतर्कता रखने की भी आवश्यकता है, जिससे आप लोग लाभदायक स्थिति उठा पाए। दोस्तों, कुछ समय से चल रही उथल पुथल आज कुछ राहत मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र में आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा, वहीं दूसरों की मदद करने से आपको काफ़ी खुशी मिलेगी, परंतु इसके साथ ही साथ अपने कार्यों पर ही फोकस करें। राजनीतिक संपर्कों का उचित गतिविधि रहेगा, वह गैर कानूनी से दूर रहना है। किसी के साथ जो है व्यापार की बातों में दोस्तों आप लोगों को नहीं उलझना है। यदि व्यवसाय को लेकर बात की जाए तो कार्य क्षेत्र में आप लोगों को लिए हुए व्यवसाय उड़ने अच्छे रहेंगे, नया ऑर्डर मिलेगा। वह दोस्तों ऑर्डर मिलने से पहले उसके बारे में जानकारी ज़रूर रखें। दोस्तों, ईर्ष्या करने वाले लोगों से अभी ही दूर हो जाइए। शेयर गतिविधियों में आपकी विशेष भूमिका रहेगी व आपको हर तरह से लाभ ही लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, बिजनेस में अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें, बेहतर होगा अपनी गतिविधियों को दूसरे के साथ जाहिर ना करें। हालांकि कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट हाथ आएंगे, ऑफिस के काम को लेकर थोड़ी दिक्कत रह सकती है, लेकिन आपको ध्यान इस बात को रखना है किसी को अपनी पर्सनल बातें, सीक्रेट बातें शेयर नहीं करनी है, अन्यथा इनकी नुकसान आप लोगों को व परिवार को भुगतना पड़ सकता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा।